हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब अच्छे होंगे मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज का सलूशन दे चुकी हूं आज मैं वो एक्सरसाइज आपको समझाऊंगी एक्सरसाइज 2.2 क्लास एट्थ फर्स्ट क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट वन बाय टू फ्रॉम अ नंबर मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन बाय टू जो भी रिजल्ट आएगा उसको वन बाय से मल्टीप्लाई करना है यू गेट तो इक्वल्स टू आप क्या देखोगे वन बाय आ जाएगा वट इज द नंबर तो नंबर फाइंड आउट करना है देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लेट कर लेते हैं जैसे हमने नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कर लिया लेट द नंबर नंबर ही लेट कर लिया क्योंकि हमने फाइंड क्या करना था नंबर फाइंड आउट करना था तो हमने नंबर ही लेट कर लिया ठीक है तो यहां से आपके पास आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुक क्या कह रहा है देखिए क्या कह रहा है क्या कह रहा है कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट वन बाय टू फ्रॉम आ नंबर नंबर मीन्स x, x में से अगर आप वन बाय टू माइनस करोगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट यानी कि अब x माइनस वन बाय टू उसको आप वन बाय टू से जब मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट को तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल टू वन बाय एट आ जाएगा ठीक है तो वो क्या कह रहा है कि x जो नंबर है उसमें से आपने वन बाय टू जब माइनस किया उस रिजल्ट को जब आपने वन बाय टू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया वन बाय एट आ गया ठीक है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए या आ जाएगा एक्स माइनस वन बाय टू ये देखिये ये क्या है आपके पास डिनोमिनेटर है ठीक है अब ये इसको मैं इधर लेके जाऊंगी एट के पास तो ये आपके पास है न्यूमिनेटर में आ जाएगा फिर टू वन जार टू टू फोर जार एट ठीक है तो x माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन बाय फोर ठीक है x को अकेला रखना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये आ जाएगा वन बाय फोर ये दो जाके प्लस हो जाएगा टू हो जाएगा इसको सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू आ जाएगी एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का अगर आपने ये चीज नहीं करनी है तो उसको क्या करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो टू से डिवाइड कर दो ठीक है जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर टू आएगा और जो डिवाइड करोगे वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ये टू से टू कैंसिल हो गया ठीक है तो यहां से सीधा ही आपके पास आ गया एक्स माइनस वन बाय टू इक्व टू वन बाय फोर वही क्वेश्चन आगे ना आपके पास ठीक है तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए और यहां से आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन देखिए ठीक है सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है ठीक है इस पूल uh, उसका जो पेरीमीटर है पेरीमीटर यानी कि इसका ये सारी साइड है पैरीमीटर ये होता है ना सारी साइडों का सम ठीक है वो कितना दिया गया है वन फिफ्टी फोर मीटर दिया हुआ इसकी लेंथ गिवन है आपको लेंथ है है लेंथ लेंथ इज टू मीटर मोर देन ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ ठीक है ट्वाइस इट्स ब्रेथ देखिए वो क्या कहना चाह रहा है अभी बताते हैं आपको ठीक है वट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द दुल यानी कि आपने एक तो उसका पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है और आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कि आपके पास जो लेंथ है वो दुगनी है किससे ब्रेथ से ठीक है वो दुगनी किसके है ब्रेथ से ठीक है तो वो अगर हम अगर यहाँ पर अगर हम ब्रेथ को एक्स मान ले ठीक है अगर हम ब्रेथ को यहाँ देखिए जरा ठीक है लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल हमने ब्रेथ को एक्स मान लिया लेंथ कितनी बताए थे उसने दो गुना है ना ठीक है दो गुना है और मोर देन है टेन टू एक्स प्लस टू ठीक है दुगनी है ठीक है उसने क्या कहा था मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ ठीक है तो टू उससे ज्यादा है और दुगनी है तो यहाँ पर दो एक्स पहले उसके ब्रेथ के साथ टू मल्टीप्लाई होगा और दुगनी है मोर देन है ठीक है तो टू हो जाएगा ठीक है पैरीमीटर क्या होता है आपको पता ही है एक रेक्टेंगुलर का पैरीमीटर क्या होता है ठीक है लेंथ टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है यहां से आपके पास लेंथ कितनी है लेंथ आपने कितनी मानी है? है ठीक है लेंथ कितनी, कितनी है बताओ कमेंट करके बताना मेरे को यहां पर कमेंट करना ज़रा मैसेज करना मेरे को यहाँ पर ठीक है व्हाट्सएप पे कि यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है जो भी वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं सभी ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे को बताना लेंथ कितनी दी है यहाँ पर पुट करके ठीक है उसके बाद उसको पेरीमीटर आपको गिवन दिया हुआ है ये रख लिया अब यहाँ पर देखिए जरा एक्स और एक्स यहाँ पर कितने हैं ये दो एक्स है ये एक्स है ये थ्री एक्स हो गया ठीक है यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा थ्री एक्स ठीक है तो ये आपके पास थ्री एक्स आ गया ये आ गया आपके पास थ्री एक्स प्लस टू और बाहर टू है इसको सोल्व कीजिए और यहाँ पर मेरे को कमेंट बॉक्स पर आंसर बताइए आंसर क्या है ठीक है एंड थर्ड क्वेश्चन है आपके पास देखिए थर्ड क्वेश्चन द बेस ऑफ द आइसोसलेस ट्राइंगल आइसोसलेस वो होती है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं ठीक है तीसरी साइड नॉट इक्वल होती है ठीक है और उसके एंगल्स भी क्या होते हैं ये दोनों साइड इक्वल होती है और उसके एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं उसको आइसोसलेस ट्राइंगल कहते हैं उसका जो बेस है ठीक है वो कितना दिया हुआ है आपके पास फोर बाय थ्री पेरीमीटर ऑफ द ट्राएंगल पेरीमीटर आपके पास ये दिया हुआ है ठीक है कि वट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड कह रहा है जो आपके पास साइड रह गई है इक्वल साइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले देखिये इफ द ईच इक्वल साइड ऑफ द एसोसलस जो भी दोनों इक्वल साइड है ये देखिए आइसोलस की ये दोनों साइड हमने इन दोनों साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना इसको हमने एक्स मान लिया ठीक है बेस तो आपको गिवन दिया ही हुआ है ठीक है तो यहां से हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल वो कह रहा किसके है किसके इक्वल है सम ऑफ ऑल थ्री साइड ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है पेरीमीटर आपके पास क्या है ट्राइंगल का लिख लिया हमने ठीक है सम ऑफ ऑल थ्री साइड पहले तो देखिए इसको x दिया हुआ है और ये कितनी दी हुई है फोर बाय थ्री बेस दिया हुआ था ना फोर बाय थ्री हमने पुट कर दिया जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ठीक है और जो गिवन दिया हुआ x आ जाएगा आपके पास उसमें आप पुट कर देना ये दोनों साइड आ जाएगी x निकल जाएगा यहां से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम ऑफ द टू नंबर इज नाइन्टी फाइव इफ वन एक्स एक्सीड द अदर बाय फिफ्टीन फ्रॉम द नंबर फाइंड सॉरी फाइंड द नंबर ठीक है तो सम ऑफ द टू नंबर ठीक है सम ऑफ द टू नंबर हमने क्या लिया यहाँ पर एक्स ले लिया अनदर नंबर क्या कह रहा है करा करा, exceed करा इसमें exceed करा, किस नंबर में देखो फाइंड द नंबर करना ना इस नंबर को हमने एक्स मान लिया जो फाइंड आउट करना है मैंने वही कहा ना इसको एक्स मान लिया ठीक है और उसने कहा कि उसी नंबर में क्या एक्सीड करा हमने पंद्रह यानी फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन हो जाएगा एक्स प्लस फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद वो क्या कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर एक तो ये नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया यानी कि एक्स एक्स प्लस फिफ्टीन ठीक है इक्वल्स टू नाइनटी फाइव ठीक है अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ द टू नंबर इज एक्स ठीक है देन अनदर नंबर हमने क्या लिया उसमें क्या 15 एक्सीड किया था हमने प्लस कर दिया ठीक है कह रहा इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 95 के 95 के इक्वल है तो यहां से 95 फाइव के लेंगे यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो एक्स की वैल्यू आएगी समथिंग मान लीजिए यहां पर एक्स की वैल्यू आई है मान लीजिए टेन आ गई ठीक है इसने कहा था ना फाइंड uh, क्या कहते हैं टू नंबर्स ठीक है तो पहला नंबर आपके पास है एक्स तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू टेन भरेंगे फिर यहां पर दूसरा नंबर क्या आ जाएगा टेन प्लस फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव यानी फर्स्ट नंबर टेन आया और सेकेंड ट्वेंटी फाइव मैंने आपको जस्ट बताया है आप यहां से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो पुट करेंगे ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या उसने टू नंबर टू फिफ्थ नंबर में है टू नंबर्स आर इन द रेशो रेशो में दिया हुआ फाइव आर इफ दे आर आर इफ देर डिफर बाय एटीन कह रहा अगर वो अट्ठारह से ठीक है तो अगर वो अठारह इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अट्ठारह के इक्वल हुआ ठीक है तो वट आर द नंबर वट आर द नंबर्स ठीक है तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं ठीक है रेशो दी हुई है नंबर्स की फाइव रेशो थ्री ठीक है क्या दिया हुआ है उसने रेशो दी हुई है फाइव रेशो थ्री तो हमने क्या कर दिया हमें अब कभी भी रेशो को लेते हैं तो उसको हम क्या लगा लेते हैं एक्स लगाते हैं हम ठीक है उसको कभी भी हम अकेले सोल्व नहीं करते क्योंकि वो हमें रेशो में दिया हुआ है हमें रेशो में दिया हुआ है एक पर्टिकुलर चीज नहीं दी हुई है ठीक है तो हमने उसको पर्टिकुलर चीज कब निकालेंगे जब उसके साथ हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे यहां से मैंने जो रेशो दी थी फाइव रेशियो थ्री मैंने का जो डिफरेंस होगा वो एटीन के इक्वल होगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगी नाइन आ जाएगी वही देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास फाइव एक्स तो यहाँ पर फाइव एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हुई है नाइन तो मैंने फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन टू फोर्टी फाइव ये फर्स्ट आ गया ठीक है सेकंड क्वेश्चन है थ्री एक्स सॉरी सेकंड नंबर है थ्री एक्स थ्री एक्स तो एक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है निकाली पे पुट कर दी थ्री मल्टीप्लाई बाई नाइन ट्वेंटी सेवन यानी फर्स्ट नंबर मेरे पास ये आया सेकंड ये आया ठीक है सिक्स क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में कह रहा है थ्री कॉन्जुकेटिव इंटीजर एडअप टू फिफ्टी वन ठीक है कॉन्जुकेटिव इंटीजर जो होते हैं जो क्वॉंटी कॉन्टिन्यूसली चलते हैं ठीक है कॉन्टिन्यूसली एड होते रहते हैं कह रहा है वो आपके पास जितने भी सॉरी कॉन्जुकेटिव नंबर होंगे इंटीजर होंगे उनका सबका एडअप कितना होगा फिफ्टी वन के इक्वल होगा तो वट इज दिस इंटीजर तो हमने इंटीजर फाइंड आउट करने हैं तो उसने देखो थ्री थ्री कॉन्जुकेटिव नंबर मान लेना तो हमने कॉन्जुकेटिव नंबर ठीक है तो पहले x ले लिया एक x प्लस वन ले लिया एक x प्लस टू ले लिया इन सब का सम किसके इक्वल का उसने फिफ्टी वन के इक्वल है यहां से आपके पास x वैल्यू आ जाएगी वही कर आपने जो भी एक्स की वैल्यू आएगी पहले फर्स्ट कॉन्जुकेटिव नंबर में फिर सेकंड में फिर थर्ड में फिर तीन नंबर आ जाएंगे आपके पास ये तीनों आपके पास आंसर होगा ठीक है सेवन क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ थ्री कॉन्जुकेटिव मल्टीपल मल्टीपल ऑफ द एट इज कह रहा वही चीज कह रहा जो के जितने भी है जो आठ के मल्टीपल कॉन्जुकेटिव जितने भी कॉन्जुकेटिव है जो आठ के मल्टीपल है ठीक है जो आठ के जो कॉन्जुकेटिव है वो जितने भी मल्टीपल आठ के ठीक है तो वो कितने थ्री थ्री कॉन्जुकेटिव लेने हैं जो आठ के मल्टीपल होंगे उसका जो सम है वो किसके इक्वल होगा एट ट्रिपल एट के फाइंड द मल्टीपल्स मल्टीपल फाइंड आउट करने ठीक है तो पहले मैंने ले लिया यहाँ पर मल्टीपल पहले मैंने एक्स ले लिया दूसरा एक्स प्लस एट है एट पे तो जाएगा ही वन तो वह जाएगा एट पे देखिए एक वन भी जाएगा एट पे एक्स प्लस एट भी एट पे एट का फैक्टर है एक्स प्लस सिक्सटीन ठीक है और कटे है इसलिए हमने एक्स प्लस एट यानी सीरीज़ में हमने एडप्ट कराया इसको ठीक है तो इन सारों का सम मैंने कर दिया इन सबका एक्स एक्स प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इनका उसने कहा था ट्रिपल एट के इक्वल है इसको सोल्व करके आपके पास एक्स एक्स डबल एट आ गया फर्स्ट मल्टीपल क्या था एक्स एक्स था ठीक है और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सेकेंड क्या था एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट एक्स कितना आया है इन दोनों को ऐड कर दिया ये चीज आ गई थर्ड था हमारे पास एक्स प्लस एक्स प्लस था ना ठीक है तो यहां से एक्स की वैल्यू ये रही सिक्सटीन तीन नंबर आगे एट क्वेश्चन देखिए वही तीन चीज है यहां पे, ठीक है कॉन्जुकेटिव नंबर बोल रहा वो थ्री कॉन्जुकेटिव इंटीजर ठीक है ये सेम क्वेश्चन है इसमें भी आपने क्या करना है कॉन्जुकेटिव नंबर लेने हैं तीन कॉन्जुकेटिव नंबर लेने हैं इन सब का एड बट इसमें एक चीज वो बोल रहा है कि जो कॉन्जुकेटिव नंबर है ना उसको पहले वाले नंबर को टू से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले को थ्री से फिर थर्ड वाले को फोर से जब इनको एड करोगे आप तो उसको इक्वल करना है आपने सेवेंटी फोर के ठीक है तो पहला हमारे पास एक्स है दूसरा एक्स प्लस वन तीसरा एक्स प्लस टू जब हमने इन सबको एड किया ठीक है तो उससे पहले मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया है इसको पहले वाले को टू से मल्टीप्लाई करो सेकेंड वाले को करो किससे से थ्री से इसको करो फोर से तो इसको कर दिया थ्री से इसको कर दिया फोर से इक्वल टू सेवेंटी फोर जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू सेवन आएगा हाँ जी बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने इजी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्यूशन दे चुकी हूं ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए ठीक है लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा ओके okay, बेटा थैंक यू